सबको चमकती हुई चीज़ें ही पसंद आती हैं. इट्स गोल्ड दैट अट्रैक्ट्स टन्स, बट नोबडी इज़ रेडी टू गिव द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी टू प्ले अराउंड दिस मेलेबल मेटल. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिप्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल. फ़िलहाल मैं नेटवर्क 18 के लिए काम करती हूँ और ये मेरी 5वीं जॉब है. 2019 से मैंने जर्नलिज्म के लिए काम करना शुरू कर दिया था और अब मैं अपने जैसे और लोगों की मदद करना चाहती हूँ. आई होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. जब भी मेरे जर्नलिज्म की बात आती है तो लोग हमेशा मुझसे यही कहते हैं कि दीदी इंटर्नशिप लग सकती है कि नहीं. मेरे जूनियर्स मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या आपके फर्म में कोई इंटर्नशिप है या कहीं और इंटर्नशिप मिल सकती है. तब ऐसे में मेरे जहन में सिर्फ एक बात आती है कि शायद इंटर्नशिप के लिए आपको खुद मेहनत करनी चाहिए, लेकिन आपको गाइडेंस की तो ज़रूरत पड़ेगी. इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं इंटर्नशिप्स इन मीडिया पर. बात करते हैं थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में. जैसे कि आपको पता है कि इंटर्नशिप में सबसे ज़रूरी होता है आपका प्रोफाइल, और आप अपना प्रोफाइल कहाँ दिखाएंगे वो आप दिखा सकते हैं लिंक्डइन पे. इसीलिए लिंक्डइन पर आपका खुद का प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है. अब वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप कनेक्शन फॉर्म कर सकते हैं, जॉब्स ढूंढ सकते हैं, ये भी पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे इंटर्नशिप निकली है. जितने भी बड़े फर्म्स हों, मैं उन बड़े फर्म्स का नाम अभी नहीं लेना चाहती, लेकिन वहाँ की जो वैकेंसी है वो लिंक्डइन पे ही आजकल अपडेट होती है. सारे HRs आपको बताते हैं कि हमें इस वैकेंसी की ज़रूरत है, हमें ऐसे प्रोफाइल की ज़रूरत है. तो आपको लिंक्डइन पे हमेशा अपडेट रहना चाहिए और अपने प्रोफाइल को काफ़ी इंस्पायरिंग, काफ़ी एडमायरेबल बनाना चाहिए ताकि जितने भी रिक्रूटर्स हैं वो आपको देखें और वो आपको अपनी कंपनी के लिए चुन सके. अगला पॉइंट है, आप अपने टीचर्स से पूछिए. आप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं तो आपको अपने टीचर से प्लेसमेंट के बारे में ज़रूर पूछना चाहिए. मे बी उनके भी कॉन्टैक्ट्स होंगे जो आगे आपके काम आएंगे. तो आपको क्या करना होगा कि आपको उनसे बात करनी होगी, आपका इंटरेस्ट किस में है उसके बेसिस पे आपको इंटर्नशिप के लिए उनसे बात करनी चाहिए. थर्ड पॉइंट ये है कि आप एक काम करें, ये काफ़ी पुराना तरीका है लेकिन काफ़ी आजमाया हुआ है और सच में ये काम करता है. जितने भी बड़ी फर्म्स हैं, जितनी भी छोटी फर्म्स हैं, उन फर्म्स की मेल आईडी निकालिए. मेल आईडी पे अपना एक मेल फॉर्म कीजिए. मेल आईडी पर उस मेल में आप ये लिखिए कि आपको ये इंटर्नशिप क्यों चाहिए. एक सीवी की तरह बनाएं, सीवी अटैच करें, उसके अंदर आप अपना ये लिखें कि आपका पर्पस क्या है लाइफ का, और फिर उस मेल को हर कंपनी में भेजें और लोगों को पता चलने दें कि आपको सच में नीड है इस इंटर्नशिप की. सो दैट दे कैन नो दैट यू आर डिटरमिंड, डिलिजेंट एंड एक्चुअली डेस्परेट टू फाइंड द इंटर्नशिप. अब फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आपके आसपास कोई लोकल फर्म है तो आप उसमें भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं. ये मत सोचिए कि आपको सिर्फ नेशनल या इंटरनेशनल में ही जाना है, आप लोकल फर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं. क्योंकि अभी आपका इंटर्नशिप का टाइम है, इसका मतलब है सीखने का टाइम. और लोकल फर्म्स में क्या होता है कि आप पे पूरा कंसंट्रेट किया जाता है, आप पे पूरा फोकस किया जाता है. इसीलिए मुझे लगता है कि आपको लोकल फर्म में भी जाना चाहिए. इसी के साथ जो सबसे बड़ी ट्रिक है वो ये है कि प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट, अपनी प्रोफाइल पे पूरा कॉन्फिडेंस रखिए. जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चुपचाप सिट बैक होने की भी ज़रूरत नहीं है. ये नहीं कि सिर्फ हाथ पर हाथ रख के बैठे रहें, आपको अपने प्रोफाइल पे काम करना होगा और इस तरह से काम करना होगा कि आप उसे शोकेस कर सकें. तो ये थी हमारी वीडियो. अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.